सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने Redmi Note 8 Pro के अंदर बूट लोडर को अनलॉक कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता यार बूट लोडर अनलॉकिंग क्यों करते हैं, तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, रूट कर सकते हो, नई रोम डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको बूट लोडर अनलॉक करने के बाद ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आज आपको Redmi Note 8 Pro के अंदर दिखाऊंगा किस तरीके से आप बूट लोडर अनलॉक कर पाओगे जो कि MediaTek के प्रोसेसर के साथ आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अगर आपको बूट लोडर यहां पे अनलॉक करना है काफी अच्छे तरीके से, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको करना है, सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर का आइकन मिलेगा उसको दबा दो, सब्सक्राइब लिखा होगा उसके बराबर घंटे का आइकन भी आएगा उसको भी जरूर से दबा देना। तो यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं कि बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो पहले तो यार Note 8 Pro होना जरूरी है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में है। दूसरी चीज पीसी भी होना जरूरी है। अगर आपके पास पीसी नहीं है, लैपी नहीं है, तो आप उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको दो रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो यार एक काम करना है, चले जाना साइबर कैफे वगैरह में, वहां पे जाके भी आप अनलॉक कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इजी मेथड है। यहां पे सबसे पहले वर्जन दिखा दूं, MIUI 11 ग्लोबल, आपको MIUI 10 ग्लोबल वर्जन देखने को मिलता है। जितने भी वर्जन है सबका मेथड सेम रहता है, तो आप अगर आपका अपडेटेड है तो उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अब आपको रिक्वायरमेंट और भी बता दूं कि बूट लोडर अनलॉक करना है तो आपके यहां पे जो मी अकाउंट है उसमें आप जरूर से साइन इन होंगे, तभी आपका यहां पे फोन बूट लोडर अनलॉक हो पाएगा। अगर आप यहां पे साइन इन नहीं है तो आपका अनलॉक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आप मी अकाउंट में यहां पे जाके चेक कर लेना सिंकिंग आपकी ऑन हो और ये फाइंड डिवाइस जो है ये भी आपका ऑन हो। तो आप इसको टैप टू टर्न ऑफ ऑन कर दो और आपका यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा और आप इसको सिंपली ऑन कर दीजिए। ये सब कुछ स्टेप है जो कि आपके नेसेसरी हैं अगर आपको बूट लोडर अनलॉकिंग अच्छे से करनी है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने फाइंड डिवाइस ऑन कर दिया है, सिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑफ है, यार मेरा डेटा फुल हो गया है सिंक में, तो अगर आपका ऑफ है तो ऑफ ही रहने दो, लेकिन यहाँ पे आपका मी अकाउंट ज़रूर से साइन इन होना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग यार सिंकिंग के लिए भी ऑन करने को कहते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप फॉलो कर लो, सबसे पहले आपको माई डिवाइस में जाना है और आपको MIUI वर्जन दिखा हुआ मिलेगा, आपको इस पे 10 बार टैप करना है या 11 बार और आपको नीचे आ जाएगा यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, यू आर अ डेवलपर, ठीक है। तो उसके बाद हमको सिंपली नीचे स्वाइप डाउन करना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है और आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, इसके अंदर आपको जाना होगा। यहां पे जाने के बाद आपको देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा मी अनलॉक स्टेटस, जिसके अंदर आप जैसे ही टैप करोगे आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपको यहां पे एग्री कर देना है और यहां पे आपको एड अकाउंट एंड डिवाइस का ऑप्शन आएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, तो इस स्टेप के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल डेटा ऑन हो। अगर आप वाईफाई पे होगे, जैसे कि फिलहाल मैं वाईफाई पे हूं, तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं ऐड डिवाइस दिखाता हूं तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा टर्न ऑफ वाईफाई ऐड योर मी अकाउंट यूजिंग मोबाइल डेटा। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रखा है। तो आपको यहां पे सिंपली वाईफाई ऑफ करके आपको अपना मोबाइल डेटा ऑन करना होगा और अब आप जैसे ही इसको करोगे तो प्रिपेयरिंग टू ऐड अकाउंट एंड डिवाइस आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो सक्सेसफुली आपका ऐड हो गया है। अब आपको यहां पे ऐड होने के बाद ध्यान रखना कोई भी साइन आउट मत करना अपने फोन को, डिवाइस को, मतलब ये मी आईडी से हटाना नहीं, वरना आपका पूरा जो अपने प्रोसेस किया है बेकार हो जाएगा। अब आपको सिंपली बैक जाना है और आपको नीचे यूएसबी डीबगिंग है ना, इसको भी आपको यहां पे ऑन कर देना है। तो ये चीज को भी आप यहां पे ऑन कर दीजिए ताकि आपका यहां पे इजीली सब चीज काम करे, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका यहां पे अपडेट हो जाए। उसके बाद ऊपर आओगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा OEM अनलॉकिंग, तो आप इस ऑप्शन को भी टर्न ऑन कर दें जो कि आपको बूट लोडर अलाउ करेगा अनलॉक करने का। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहां पे फोन के अंदर ऑन करने हैं। इतना आपको फोन में अंदर हो जाता है सिंपली। अब हमको चलना होगा हमारे पीसी की तरफ, उसमें आपको यहां पे दिखाता हूं कि क्या करना होगा। उससे पहले अगर आपके पास यार आपकी जो डेटा केबल है वो नहीं है, जो कि यहां पे देखने को मिलती है टाइप सी वाली, तो उसको भी जरूर से निकाल के रख लीजिए, क्योंकि हमको अब अपने फोन को कनेक्ट करना होगा फोन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। और एक चीज और आपको ध्यान दिला दूं कि आप बूट लोडर अनलॉक करोगे तो आपका डेटा सब फॉर्मेट हो जाएगा, तो आपको बैकअप बना के रखना है तो प्लीज बना लो। या तो मैं कहूंगा यार जिस दिन आपका फोन हुआ है उसी दिन बूट लोडर अनलॉक कर लो, तभी आपका यहां पे काम अच्छे से हो जाएगा।
क्योंकि तब ज़्यादा डेटा आई थिंक रहता नहीं है और आप इजीली अनलॉक कर पाओगे। अभी जितना डेटा है आप उसको बैकअप बना लो अपने पीसी में या मेमोरी कार्ड में, ताकि आपका यहाँ पे डिवाइस जब फॉर्मेट हो, फुल फॉर्मेट होता है, गैलरी, फोटो, ऐप्स वगैरह सब चले जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लैपटॉप में चलते हैं पीसी की तरफ, उसमें दिखाता हूँ आपको क्या क्या फाइल डाउनलोड करनी है। उसके बाद फ़ोन में भी एक चीज़ करनी होगी, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब हम आ गए अपने पीसी की तरफ। आपको यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड करनी है जो कि है मी फ्लैश टूल अनलॉक। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये zip फाइल डाउनलोड होती है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका ये फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। आपको यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और आप जैसे ही इस फोल्डर को ओपन करोगे, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मी फ्लैश अनलॉक डॉट exe। आपको इसको यहाँ पे डबल टैप करके ओपन करना है। यहाँ पे इसी की हेल्प से आप अपने बूट लोडर को अनलॉक कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यही चीज़ है, ये जो Xiaomi का ऑफिशियल है, यही ऑफिशियल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसको लॉन्च कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे किस तरीके से होता है मैं आपको यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो इसी मी अनलॉक के अंदर आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्लेमर वगैरह आ गया है, आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। एग्री होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको जो मी आईडी है उसको लॉगिन करना होगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो मी आईडी आपने अपने फ़ोन के अंदर डाली हुई है सेम वही मी आईडी आपने यहाँ पे इनपुट करी है, वरना आपका यहाँ पे अकाउंट सही से वर्क नहीं करेगा, मतलब अनलॉक ही नहीं होगा। तो सही से वर्क करने की बात ही यहाँ पे नहीं रहती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल सही रखिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो फ़ोन में एंड यहाँ पे पीसी में दोनों सेम ही है। यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या देखने को मिलता है। सो, देख सकते हो यहाँ पे साइन इन हो गया है। अब ये पूछ देख रहा है चेकिंग इफ योर मी अकाउंट हैज परमिशन, तो ये चीज़ आपके में भी दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फोन आपका कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको आना है यार आपके फ़ोन की तरफ, और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ यहाँ पे दबाना है, वॉल्यूम डाउन बटन सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फ़ोन को बंद कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे पावर ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा सा आप तो हैक्टिव फीडबैक आता है कि बंद हो गया है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन दोनों एक साथ आपको प्रेस करना है। दोनों को आप एक साथ प्रेस करोगे, आप ये फास्ट बूट मोड में बूट हो जाओगे। अब अपने पीसी से कनेक्ट कर लो यहाँ पे यार अपने फ़ोन को, सिंपल सा यही मेथड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं अपने पीसी के साथ अपने फ़ोन को। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, और आपको यहाँ पे अब शो हो जाएगा कि आपका यहाँ पे फ़ोन कनेक्टेड है। तो देख सकते हो यहाँ पे शो कर दिया है मी फ़ोन अनलॉक विल इरेज यूज़र डेटा। अब मान लो अगर आपके में ये नहीं दिखा रहा है, तो सिंपल आप यार सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक दी बटन टू इंस्टॉल दी ड्राइवर। यहाँ पे आप चेक पे एक बार टैप कर दो। यहाँ पे जितने भी रिक्वायरमेंट आपके होंगी ड्राइवर की, जो कि फ़ोन को डिटेक्ट करनी चाहिए, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल कर देगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कनेक्ट योर डिवाइस दिखा रहा है अगेन करने का, तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुका है अगर आपके में नहीं कर रहा है। अब सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वार्निंग। अब हमको यहाँ पे अनलॉक पे टैप करना है। यहाँ पे फिर से आपको वार्निंग देगा कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, प्लीज़ बैकअप ज़रूर से बनाइएगा। अनलॉक एनीवे में फिर से हम टैप करते हैं, और उसके बाद फिर से एक वार्निंग मिलेगी कि आप सारा डेटा खो दोगे। तो फिर से हम अनलॉक एनीवे में टैप करें। यहाँ पे आप देखोगे वेरीफाइंग डिवाइस कर रहा है, उसके बाद आपको 30-40% दिखाएगा। एंड यहाँ पे आप अनलॉकिंग के बाद जैसे ही आपका वेरीफाई कर लेगा, अनलॉकिंग का प्रोसेस आ जाएगा। 99% यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देख पाओगे एक ही बार में यहाँ पे आपका सक्सेसफुली बूट लोडर अनलॉक हो गया है। सिंपल आपको अपने आप ही फिर यहाँ पे आपका फ़ोन जो है बूट कर जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे Redmi लोगो और नीचे अनलॉक लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि Note 8 Pro में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बूट लोडर अनलॉक कर दे रहा है। पिछले कुछ समय से Note 7 Pro में आपको 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ रहा था, फिलहाल आपको बस वन टैप वन क्लिक में आपका अनलॉक हो जा रहा है। तो अगर आप अभी करना चाहते हो तो जल्दी से जाके कर लो, क्या पता कब यहाँ पे फिर से आपको घंटे वाला टाइम दे दे 360 आवर्स वाला। फिलहाल तो ये अनलॉक काफ़ी ईजिली हो जा रहा है। तो देख सकते हो अनलॉक
लॉक हो गया है यहाँ पे, अब आपको कुछ नहीं करना है, पीसी को हम छोड़ ही देते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे रिबूट हो रहा है, अनलॉक्ड आपको दिखा हुआ पहले ही मैंने दिखा दिया था। उसके बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको दिखा देता हूँ आगे कि आपका यहाँ पे अनलॉक्ड हो गया है फ़ोन कि नहीं हुआ है, डेटा डिलीट हो जाता है कि नहीं। तो अब आपको जैसे ही इसका फ़ोन बूट होगा, आपको जैसे फर्स्ट स्क्रीन आपको फर्स्ट टाइम जब आपने बूट किया था जैसी देखने को मिली थी, वैसे ही आपको यहाँ पे अब देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी यार, अगर बैकअप नहीं लिया है तो प्लीज़ बैकअप ज़रूर से ले लेना, वरना आपका फ़ोन यहाँ पे डेटा ज़रूर से डिलीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं अब जल्दी से इसको बूट कर लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को ये मिलता है। सो देख सकते हो इस तरीके से बूट हो गया है, और अगर आपने पुराने अपने मी अकाउंट जो लगाया हुआ था उसका पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आप इसको आराम से बूट कर पाओगे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, इजीली आप इसको वर्क कर पाओगे। MIUI 10 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आपका फ़ोन अनलॉक हो गया है। तो अब इसके बाद एंजॉय करो TWRP कस्टम रोम जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, वीडियो भी आपके लिए काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून रहो, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय।